हेलो, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं वैक्सीन को लेकर के। वैक्सीन को लेकर के आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, उन सब के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि ई पोर्टल क्या है और मुकीम क्या है, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना है या नहीं कराना है, सारी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा हो जाए, क्योंकि आपको मैं बहुत बारीकी से सारी चीजें समझाने वाला हूं, इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद में नहीं रहेगा, और रहेगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, आपको सेटिस्फेक्शनली वहां पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको यहां पर क्यों अपडेट दे दूं, उसके बाद में वैक्सीन सर्टिफिकेट का किस तरीके से करना है, मुकीम पे कैसे अपलोड करनी है, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं अपडेट पे। अपडेट आपको बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहली चीज, जैसे कि आपको पता भी होगा, सेकंड वैक्सीन अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। आप 30 के बीच में हैं, 35 के बीच में, तो इजीली वैक्सीन मिल जा रही है। आप अपने साथी पे जाइए, अप्लाई करिए, वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए और जा करके वैक्सीन लगवा लीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल, यहां पर कुछ लोगों ने पूछा था कि जिनको कोरोना हुआ है क्या उनको भी दूसरी वैक्सीन लगेगी। तो कुछ लोगों को दूसरी वैक्सीन लगी है, इवन मेरी कंपनी में भी जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगी है जिनको कोरोना हुआ था। मुझे भी हुआ था, मैं भी जब मेरा सहती में मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा तो मैं आपको जरूर वो बताऊंगा और अपनी स्टोरी में या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दूंगा। ठीक है, जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि सऊदी अरब ने दो और वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, जिसमें सिनोवैक्स है और सिनोफॉर्म है। ठीक है, ये दोनों वैक्सीन सऊदी अरब ने अप्रूव कर दिए, सिनोफॉर्म और सिनोवैक्स। तो ये भी अभी सऊदी की जो अप्रूव लिस्ट है उसमें अब 6 वैक्सीन हो चुकी है जो सऊदी अरब में अप्रूव्ड है, उन्हें लगवा के आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, और ढेर सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि अगर हमने यहाँ पर एस्ट्राजेनिका ले लिए तो इंडिया में जाके क्या हम कोविड सील की दूसरी डोज लगवा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लगवा सकते हैं, कोविड सील और एस्ट्राजेनिका दोनों एक है। इसको भी छोड़िए, अगर आपने सऊदी अरब में पी फेजर लगवा लिए, इंडिया में जाके आप कोविड सील लगवा सकते हैं, या फिर आप जॉनसन एंड जॉनसन लगवा सकते हैं, या फिर और कोई सी भी अगर वैक्सीन आपको मिल रही है तो आप लगवा सकते हैं। सऊदी अरब में जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, उनको वहां पर दूसरी वैक्सीन जो उन्होंने पहले लगवाई थी उससे अलग वैक्सीन की अपॉइंटमेंट मिल रही है। इसका मतलब कि आप वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला था कि जो वैक्सीन आपने लगवाई, अगर आप उसके अपोजिट वैक्सीन लगवा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में कोरोना वायरस को मारने के लिए और अच्छा काम करेगी, उससे आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपकी बॉडी में और अच्छी तरीके से जो है इफेक्टिव रहेगी कोरोना वायरस को मारने में। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोला गया था, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। तो आप कोई सी भी वैक्सीन ले सकते हैं, अगर आपने पहले कोई भी वैक्सीन ली थी, अभी दूसरी वैक्सीन आप कोई भी ले सकते हैं। वैक्सीन कम से कम दूसरी डोज 30 दिन के बाद में लीजिए, अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो। एक और अपडेट है एमबीसी को लेकर के। एमबीसी अभी नेक्स्ट वीक में, अगले हफ्ते से बंद हो जाएगी। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 11 दिन की छुट्टी जो गवर्नमेंट दफ्तर है उनको दी गई है। तो जो हमारा सऊदी एमबीसी है वो भी गवर्नमेंट में आता है, तो वहाँ पे जो सऊदी काम करते हैं उस एमबीसी में, उन लोगों की 11 दिन की छुट्टी रहेगी, यानी कि ऑलमोस्ट एमबीसी 10 से 11 दिन बंद रहेगी। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट, अपने स्टैंपिंग के लिए डाले हुए हैं तो अभी उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बकरीद 20 तारीख में, तो उसके बाद में तकरीबन 4 से 5 दिन बाद में एमबीसी ओपन हो जाएगी और आपके काम फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने सबसे मेन पॉइंट पे, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो और इस वीडियो को इतनी देर से देख रहे हो। हमारा पॉइंट ये है कि जो ई पोर्टल है और मुकीम है वो क्या है, किस तरीके से हम सर्टिफिकेट अपलोड करें ताकि जो रिजेक्शन है वो ना हो। तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलूंगा और वहां पर आपको सारी चीजें अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहां से अब चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मुकीम पोर्टल जो ई सर्विस का है वो अलग चीज है, और जो मुकीम पोर्टल है विजिटर रेजिडेंस के लिए वो अलग चीज है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ई सर्विस का जो पोर्टल है उसमें आप अपनी वैक्सीन का सर्टिफिकेट, अपनी डिटेल अपलोड करते हैं ताकि आप तवक्कलनामे इम्यून आ सके।
इम्यून आने के बाद में आपकी जब फ्लाइट है उससे 72 घंटे पहले आपको अपना मुकीम में जो वैक्सीनेशन वैक्सीन का सर्टिफिकेट और जो बाकी की अदर डिटेल है, फ्लाइट डिटेल, सारी चीज़ें आपको डालनी होती है मुकीम पे, ताकि आपको सऊदी अरब में आके क्वारंटीन ना करना पड़े। ठीक है, अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर समझाऊंगा कि आपको कब क्या क्या करना है। तो चलिए, ओके, तो गूगल पर यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है वैक्सीन अपलोड मुकीम, तो आपको भी यही लिख देना है वैक्सीन अपलोड मुकीम और आपने इसको सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ढेर सारी वेबसाइट ओपन होगी, लेकिन आपको ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है www.moh.government.sa। इस पर ई सर्विस रिक्वेस्ट फॉर वैक्सीन अप्रूवल इन द किंगडम, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक कर देते हैं इस पर। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको आपने नीचे स्क्रॉल करना है। ये जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है इसको आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो आप स्क्रॉल करें नीचे आ जाएं। सऊदी अरब में 4 वैक्सीन अप्रूव है, पीफेजर, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका और जेनसन एंड जॉनसन, लेकिन 2 वैक्सीन और ऐड हुई है जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। ठीक है, तो यहां से नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां पर आपको आ जाना है। यहां पर देखिए आप प्लीज क्लिक हियर टू स्टार्ट द सर्विस, आपने इस पे जस्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा और यहाँ पर कुछ पेज पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो इसको आपको रीड जरूर करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर सारी चीज़ें वही लिखी हुई है कि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सही डालिए, आपके पास में एकामा आईडी या फिर नेशनल आईडी होनी चाहिए, आप या तो रेजिडेंस हो या फिर आप सऊदी के शहरी हो। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है आपके पास में जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा की आपकी फाइल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो इंश्योर कर ले कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट है और विद फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट उसमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो आपके सर्टिफिकेट में अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर पर्सनल डाटा आपका अच्छे से शो करना चाहिए, जैसे आपका वैक्सीन का नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पर शो होनी चाहिए। जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो अरबी, फ्रांसिस या फिर इंग्लिश में होना चाहिए, इसके अलावा किसी और अदर लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वैक्सीन वगैरह का नाम सब कुछ, आपका जो बैच नंबर है वो सारी चीज़ें साफ और सही होनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो पासपोर्ट कॉपी, एकामा कॉपी और आपकी जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसका आपके पास में पीडीएफ फाइल, वो एक कॉपी उनकी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबल एप्लीकेशन ये छोड़ दें आप यहाँ पर, इसका जो मतलब है वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन यहाँ पर डाल दिए है तो दोबारा एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग नहीं होगी आपकी, आपको वेट करना पड़ेगा। कितने दिन? 5 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। अगर 5 दिन में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप उसके बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 दिन के बाद में, जैसे कि आप लोगों के मैसेज हैं, मुझे पता है कि 5 दिन में आप लोगों का अप्रूवल नहीं आया है, 10 दिन 15 दिन हो गए हैं, तो फिर भी आप वेट करें, ये या तो रिजेक्ट होगी या तो अप्रूव होगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो सऊदी अरब में अप्रूव वैक्सीन है, अब देखिए यहाँ पर 6 वैक्सीन अप्रूव है। ठीक है, पीफेजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन और यहाँ पर है सिनोफार्म और सिनोवैक्स, तो 6 वैक्सीन अप्रूव है। यहाँ पर देखिए आपके पास में नेशनल आईडी या फिर रेजिडेंस आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास में नेशनल आईडी या फिर रेजिडेंस आईडी नहीं है और आप एक विजिटर है, विजिटर के रूप में आप सऊदी अरब में आना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पे। ठीक है, उसका ऑप्शन आपको एक दूसरी जगह भी मिलता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पर आइए, इसको ग्रीन कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए टर्म एंड कंडीशन को और नेक्स्ट वन पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट वन पर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने रेजिडेंस वाला ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको वैक्सीन के जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी अप्रूव की आपको रिक्वेस्ट डालनी है कि हम ने वैक्सीन ले ली है सऊदी अरब से बाहर, हम उसको यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तवक्कलना में इम्यून स्टेटस पाने के लिए। ओके, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये काम विजिटर ना करें, ये काम रेजिडेंस या फिर सऊदी वालों के लिए है। ओके, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे रेजिडेंस, क्योंकि मेरे सारे व्यूवर रेजिडेंस हैं। सऊदी तो पता नहीं कोई इस वीडियो को देख भी रहा होगा या नहीं, और देख रहा होगा तो उसको समझ में क्या आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से इसको रेजिडेंस करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ओपन हो जाएगा ये वाला यहाँ पर इंटरफेस। इसमें आपसे पूछ रहा है रेजिडेंस आईडी और यहाँ पर पूछ रहा है रेजिडेंस आईडी एक्सपायरी, यानी कि आपका एकामा नंबर और आपका एकामा कब एक्सपायर हो रहा है, वो दोनों चीज़ आप यहाँ पर बताइए। तो मैं यहाँ से अपना एकामा नंबर डाल देता हूँ
और उसके बाद में मैं यहाँ से अपने अकामे की एक्सपायरी डेट भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका अकामे की एक्सपायरी डेट अरबी में डालनी है, ठीक है। वहाँ पर आपका अकामा नंबर वही लिखना है जो जिस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन अकामे की एक्सपायरी जो डेट है वो आपने यहाँ पे अरबिक में अपलोड करनी है, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ से लिखेंगे ये कैप्चर कोड यानी कि इमेज कोड, और इसके बाद में आप यहाँ से नेक्स्ट वन पर जस्ट क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट वन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने ओपन हो चुकी है और मेरा नाम यहाँ पर आ रहा है। सबसे ऊपर से देखते हैं अकामा नंबर, अकामा नंबर के बाद अकामा एक्सपायरी, अकामा एक्सपायरी के बाद में नेम अरबिक और इंग्लिश दोनों में, उसके बाद में पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी और यहाँ पर और अदर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक ईमेल डालना है तो ईमेल में यहाँ से डाल देता हूँ अपना, ठीक है। ईमेल दोनों साइड में डालना है, इधर भी डालना है और उधर भी डालना है, तो मैं दोनों साइड में ईमेल डालूंगा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट काम नहीं करेगा, तो आपने ईमेल को लिख के ही डालना है, ठीक है। तो एक साइड में मेरा डल चुका है, दूसरी साइड में और डाल देता हूँ। अगर आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है तो आप किसी दोस्त वगैरह का भी डाल सकते हैं या फिर किसी का भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी ईमेल आईडी नहीं है तो फिर आप एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी यहाँ पर डालना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है ये कोई ऐसी चीज़ आपके पास में भेजे जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से @email, तो ये ईमेल हमारा मिसमैच था, ओके हो गया। अब यहाँ से हम डालेंगे अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपका अगर इंडिया में वर्क नहीं कर रहा है तो उसको रिचार्ज करा लो। रिचार्ज कराने के बाद में उसकी जो इनकमिंग है वो आउटगोइंग इनकमिंग हो सकता है शुरू हो जाए, तो आपका नंबर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आपका नंबर यहाँ पर डालना है क्योंकि उस पर एक OTP आएगा। OTP मुझे अभी जस्ट आएगा, तो मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा कि OTP की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। 0 नंबर मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं WhatsApp से ही ऑलरेडी परेशान हूँ। अगर नंबर यहाँ पर शो कर दूंगा तो फिर शायद शो भी नहीं पाऊंगा। तो एक OTP मेरे नंबर पर आया है, तो वो OTP मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, हमारा जो OTP है वो है 4411 डाल के मैं यहाँ से नेक्स्ट वन पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट वन पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा, और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके आइए, यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन काम है वो अब यहाँ पे होना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो गई है, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वैक्सीन टाइप। तो वैक्सीन टाइप में पीफेजर, अगर आपको दो डोज लगी है तो सेलेक्ट करें, एस्ट्राजेनेका की दो डोज लगी है तो सेलेक्ट करें, मॉडर्ना की दो डोज लगी है तो सेलेक्ट करें, सिनोफार्म की दो डोज लगी है तो सेलेक्ट करें, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग जॉनसन एंड जॉनसन की एक ही काफ़ी है तो एक डोज लगी है तो सेलेक्ट करें, और यहाँ पर सिनोवैक्स की भी अगर दो डोज लगी है तो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो आपको जो भी लगी हो आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर लिखा हुआ है वैक्सीन की पहली डेट क्या थी, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें जो आपके सर्टिफिकेट पे है, ठीक है। वैक्सीन की दूसरी डेट क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें जो आपके सर्टिफिकेट पे है। बाकी यहाँ पर वैक्सीन की डेट किस तरीके से सेलेक्ट करनी है वो, और कौन से डॉक्यूमेंट्स पे आपको वैक्सीन लेनी है वो मैंने सारी चीज़ें एक अपनी पिछली वीडियो में बताई है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको अभी पासपोर्ट कॉपी, वैक्सीन सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट क्या, आपका अकामा नंबर आप यहां पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप मेरी स्क्रीन में एक स्लाइड देख रहे हैं, एक स्क्रीन देख रहे हैं दूसरी, उसमें आपको किस तरीके से आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट का सर्टिफिकेट, अकामे का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके जो पासपोर्ट के सर्टिफिकेट है वो फ्रंट साइड की कॉपी और बैक साइड की कॉपी एक जगह होनी चाहिए, एक PDF फाइल में, उसकी दो फाइल मत बनाना। आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो पहला वैक्सीन, दूसरा वैक्सीन और फाइनल सर्टिफिकेट एक हॉस्पिटल से मिलता है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये तीनों एक फाइल में होने चाहिए। और आपका जो वैक्सीन का आपका जो अकामा है वो आपका एक फॉर्मेट में होना चाहिए। तीनों चीज़ें 1 GB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं कंप्यूटर में या किसी और चीज़ में, ठीक है। PDF फाइल आप किस तरह बनानी है वो मैंने आपको
शायद इस वीडियो में बता दिया है, नहीं बताया है तो आप मेरी स्क्रीन पर एक अभी एक एक, एक फोटो देख रहे हैं, ये आपको लिखना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे, फोटो खींचेंगे, पीडीएफ बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप आसानी से पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल डाटा एंड नॉलेजबल इन करेक्ट, ये यहाँ पर बोल रहा है कि करेक्टनेस के लिए आप इसको कंफर्म करें। कंफर्म करके यहाँ पर आपको अदर प्रोसेसिंग पर क्लिक करना है। एक दो फॉर्मेलिटी आपके सामने और आएगी और आपका वैक्सीन यहाँ से अपलोड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका वैक्सीन। इसमें 5 दिन का टाइम लगेगा वेरिफिकेशन में, हो सकता है 1 ही दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपको मैसेज आ जाए कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो गया है। आप उसके बाद में तवक्कलना ओपन करेंगे, तवक्कलना में अपना स्टेटस चेक करेंगे कि क्या आ रहा है, इम्यून आ रहा है या फिर इम्यूनिजाइड आ रहा है या फिर एक और आता है रिकवर बाई करके, तो वो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे साथ में आप बैक चलिए, अब आपके आगे क्या करना है वो मैं यहाँ से बता देता हूँ। जब आपका स्टेटस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली आपकी वैक्सीन की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो चुकी है, सक्सेसफुली आपने ये काम अपना कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए यहीं से हम डायरेक्ट बैक चलते हैं, ओके। तो बैक 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 एक और बैक, ओके। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर से इसी एप्लीकेशन में आप सबको दोबारा आना है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बैक लेके चलता हूँ और स्टार्टिंग से लेके आता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैं फिर से गूगल पर आ गया हूँ। अब यहाँ से जब आपने आपको आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से, उसके बाद में आपने तवक्कलना में देख लिया कि आपका जो स्टेटस है वो इम्यून आ रहा है, तो आपने फिर से यहीं पर आना है ई सर्विस पर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद में आपको अब आपकी फ्लाइट होने में 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन आप 3 दिन बाद में आपकी फ्लाइट है, तो अब आपको मुकीम पर वहाँ पर रेजिडेंस या फिर विजिटर हो आप, क्या कौन हो आप, यहाँ पर आप अपना फाइनल सर्टिफिकेट डालेंगे किस तरीके से, यहाँ पर चलो मैं आपको आगे ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक करेंगे, पहले हमने नीचे क्लिक किया था, आपको याद होगा नीचे हमने सेलेक्ट किया था, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक किया है। और यहाँ पर देखिए अराइवल रजिस्ट्रेशन, यानी कि अराइवल हम आने वाले हैं, डिपार्चर मतलब जाने वाले हैं, अराइवल मतलब आने वाले हैं, तो हमारा अराइवल रजिस्ट्रेशन है ये, मतलब हम सऊदी अरब में जा रहे हैं। तो ये कौन है आप कौन है, आपने वैक्सीन ली है, वैक्सीन विजिटर हैं आप या फिर नॉन वैक्सीन विजिटर हैं आप मेडिकल स्टाफ में काम करते हैं, आप वैक्सीन रेजिडेंस है, आपके पास में अकामा है, आपकी वैक्सीन लग चुकी है, आप नॉन वैक्सीन रेजिडेंस है, आपके पास में अकामा तो है पर वैक्सीन नहीं लगी है, आप डिप्लोमेटिक हैं, डिप्लोमेटिक तो सऊदी वगैरह के साथ में होते हैं वो लोकल वाले, तो वो हो सकते हैं या फिर इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, चलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वैक्सीन रेजिडेंस की, तो वैक्सीन रेजिडेंस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही वैक्सीन रेजिडेंस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 8 कंडीशन फिर से ओपन हुई है, 8 कंडीशन हमारे सामने फिर से ओपन हो गई है। अब इन 8 कंडीशन को आपको देखना है, इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। रेजिडेंस शुड बी आउटसाइड द ऑफ किंगडम, सऊदी अरब से आप बाहर होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, आप सऊदी अरब के अंदर रह के ये नहीं कर सकते, सऊदी अरब के आप बाहर होने चाहिए, छुट्टी पे आप गए होने चाहिए, पाकिस्तान इंडिया जहां भी आप हो तो आप छुट्टी पे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा योर हेल्थ स्टेटस तवक्कलना शुड बी, यानी कि आपको अपनी तवक्कलना में अपना स्टेटस चेक करना है, अगर आप चाहते हैं कि मुकीम पे आपका रिजेक्शन ना हो, आपकी आपको ये मैसेज ना आए कि जाइए सऊदी अरब एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करा के लेके आइए। जितने भी लोगों के यहाँ से रिजेक्शन होते हैं वही लोगों को मैसेज आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सऊदी एम्बेसी से रजिस्ट्रेशन करा के लेके आइए, अटेस्टेशन करा के लेके आइए, ठीक है। तो ये वाली मुसीबत तब आती है। अभी अटेस्टेशन के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी एजेंट है जो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। मेरे कुछ ऐसे मुझे मैं जानता हूँ, मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो ऑलरेडी एजेंट है, ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। लोगों के पास में ऑलरेडी पैसे नहीं है तो आप उनकी हेल्प कीजिए, जितना कम आपका बेनिफिट बनता हो उतने कम में आप उनका अटेस्टेशन करा दीजिए, क्योंकि वो लोग मजबूरी में हैं, परेशानी में है, प्लीज़ आप उनकी हेल्प कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं या फिर मुझे कॉन्टैक्ट आप ना करें कोई बात नहीं, आपको मैं रेट बता देता हूँ,
5,000 से 6,000 के बीच में, या फिर 6,500 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अटेस्टेशन के लिए आप मत दीजिए, बल्कि 3-4 में ये हो जाता है, 4-4.5 में, तो इस रेंज में आप अपने प्राइस को रखिए, इससे ज़्यादा आप ना पे कीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर, तीसरे नंबर पर हम आते हैं अपने। तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, जब आपकी फ्लाइट है तो उससे 72 घंटे पहले आपने यहाँ पर ये जो पोर्टल है इस पर आना है और अपनी जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर देनी है, ठीक है। उसके बाद में बाकी और चीज़ें वो इतने काम की नहीं है। अब हम चलते हैं नीचे, यहाँ पर डालेंगे आप अपना अकामा नंबर और यहाँ पर डालेंगे आप अपनी बर्थ ऑफ डेट। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, आप सऊदी अरब से बाहर होने चाहिए। तो मैं सऊदी अरब के अंदर बैठ के ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये नहीं कर पाऊँगा। खैर, यहाँ से मैं आपको अपना फिर भी अकामा नंबर और सारी चीज़ें डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, अकामा नंबर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है और यहाँ से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही करें जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको ना तो अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपका रिजेक्शन आएगा, ना आपको कोई और प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको भी बता सकूं और लोगों की भी हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया, सारी चीज़ डाल दी, मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा आप सऊदी अरब के अंदर है, दर इज़ ए डांस इज इनसाइड द किंगडम ऑफ सऊदी अरब, तो ये लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, जब आप इसको अपलोड करने चलेंगे तो आपके सामने ऑप्शन स्टेप बाई स्टेप आते जाएंगे, बहुत ईजी ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, पर एजुकेशन से बिल्कुल भरा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और सबसे मेन चीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें और लोगों के साथ में, ताकि सबको अच्छी नॉलेज मिल सके, पता चल सके, वो अपने 5-7 हज़ार रुपये बचा सके सऊदी एम्बेसी में जा करके, उनको अपना टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट ना करना पड़े। नए मेहमान हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो हमें लाइक और हमारे चैनल, हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय